अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सर ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं जी शुरू। तो आज ही दोस्तों तकरीबन टाइम हो रहा है 11:22 के करीब करीब टाइम हो रहा है और मैं छत पर आ चुका हूँ। इससे पहले तक अभी धूप नहीं थी और धूप अभी अभी आई है, तो मैं जल्दी से ऊपर आ गया। मुझे कपड़े शपड़े सबके उठा दिए हैं और अभी तकरीबन सबको भूख लगी हुई, तो इन सबको पहले दाना डालना है और उसके बाद कुछ काम करनी है और आपको अपनी सारी सेटअप की अपडेट देनी है। तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करने और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हराने वाली मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। तो आज जाने और ये और क्योंकि खुडे के अंदर, क्योंकि मुझे शक है कि और ये रियो ने अंडे दे दिए हैं। तो जल्दी से जाते हैं अंदर, देखते हैं अगर अंडे हुए तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ बन जाएगी, मेरे लिए भी गुड न्यूज़ बन जाएगी। तो उससे पहले सबको दाना डालते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर रखा है मेरा दाना जो कि ये रहा। तो चलें इसे उठाते हैं, पहले बर्तन एक ले आता हूँ ना कोई जी, बर्तन एक ले आता हूँ ताकि जिसके अंदर मैं दाना उठाऊँ सारा और इन सबको डाल दूँ। तो बर्तन 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 तो ये वाला एक बर्तन जी है, ये मेरे पास एक पुराना, जब मैंने यूट्यूब शुरू नहीं किया था उससे भी कुछ था पहले मेरे पास एक केज होता था जर्रार वालों का, जो भाई परिंदे रखते हैं जिन्हें पिंजरों वगैरह का पता है उन्हें पता है जर्रार लेके जाते, पर्पल कलर का केज था मेरे पास ये, उसका बर्तन नहीं रखे जर्रार लिखा हुआ भी है। तो फिर वो मैंने वक्त के साथ साथ जब तोते ख़त्म किए थे पहले मेरे पास तोते थे, फिर मैंने वो केज भी भेज दिया, फिर ये बस उसके मेरे पास एक दो बर्तन रह गए थे। चले मैं सबको दाना डालता हूँ उसके बाद आप सुन। तो जी दाना सबको डाल चुका हूँ मैं, तो दाने को ऊपर से ढक देते हैं एक, बल्कि हाँ ओरियो को थोड़ा सा इतना एक दाना डाल दे। तो जो हमारे क्या नाम है बर्फी और चोको है उनके पास 24 घंटे दाना होता है, उनके पास पानी नहीं होता, तो ओरियो के लिए इतना दाना काफ़ी है क्योंकि वो दो हैं और ऊपर से उनके पास पहले से दाना रखा हुआ भी है, उनके लिए पानी लेकर आना है। तो हम अपने इस वो क्या कहते हैं उसे, यार दिमाग से एक नाम निकल रहा है, चलिए जैसे याद आया उसे बताते हैं। तो पानी इधर से भरते हैं और देखिए वो कितने बेताब हो रहे हैं, उन्हें किस तरह खुश हो रहे हैं कि पानी आने वाला है। तो जल्दी से इनके लिए पानी लेते हैं और इनके पास चलते हैं, उसके बाद और ये और के खुडे में चलते हैं, मतलब उनके अभी में चलते हैं। देखिए चिड़िया भी आई है, ये ओरियो ओरियो नीचे भी उतर आए हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमारे लिए दाना आ गया। तो ये देखिए हमारे चोको और बर्फी इनके काम आगे आ रहे हैं, अब देखना जिससे मैं पानी डालूंगा ना किस तरह करते हैं। मुझे गुस्सा कर रहा हमारे चोको पर, ये देखें चले इन्हें आराम से पानी पीने देते, इन्हें तंग नहीं करते, वो आराम से पानी पिए और आराम से खाना दाना करें, तब तक हम ओरियो ओरियो के खुडे में चलते हैं। तो ये रहा जी हमारे ओरियो ओरियो और इनके खुडे में मैं कम से कम एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ। तो ये देखे और इन्होंने खुडा गंदा भी बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इनका खुडा भी साफ करना है। तो इस टोकरी में तो अभी कुछ भी नहीं है, अलबत्ता मुझे इस टोकरी के अंदर लग रहा था और नहीं है अंडे, नहीं अंडे नहीं है। तो पता नहीं कब तक अंडे देते हैं हमारे और ये रियो, ये देखिए माशाल्लाह ये माशाल्लाह काफ़ी मेरे से मानूस हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर तो परिंदे में रहता ही है। तो ये देखिए इधर भी कुछ तिनके हट गए, देखें तो मुझे शक है कि शायद इधर घोंसला बनाना चाह रहे, तो ये तो अभी पता ही चलेगा। तो अभी चलते हैं बाहर और फिर बाहर जाके आपसे मिलते हैं। तो अभी जी मैं आ चुका हूँ बाहर और ये दाना जो है ये दाने के इंतज़ार में, तो इन्हें मैं दाना डालता हूँ और उसके बाद अब बस हट जाता हूँ ताकि ये दाना खा लें। तो अब जी दोस्तों आराम आराम से सर्दियों ने आना शुरू कर दिया है, तो अब जल्दी ठंड सुबह के वक्त हो जाया करेगी, तो बहुत ही मज़ा आया करेगा ठंड में, ठंडे ठंडे मौसम में वीडियो बनाने का। तो आप लोग से बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ करेगी, तो जल्दी से मैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो बाकी के सेटअप की अपडेट थोड़ी नीचे चल के देते, उसके बाद शाम को दूँगा आपको। तो चिकी और जो हमारे
चिकी और कोको है वो दोनों ही अंदर हैं और उनका कोई भी अभी तक बाहर आने का इरादा ही नहीं है। बहुत दिन से हम लोग को नहीं दिखा सका, लेकिन वो बाहर नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलें, जिस दिन बाहर नजर आए तो साथ ही उनके लिए बना लूँगा। तो ये देखें मेरे कुछ प्लांट सेटअप। तो अब मिलेंगे शाम को, तो अब शाम को मिलते हैं। तो जी दोस्तों, मैं अपने ओरियो और रियो के लिए नेस्टिंग मटेरियल ले आई हूँ। तो क्योंकि सुबह के वक्त मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो ज़मीन पर नेस्टिंग कर रहे हैं और इनके पास नेस्टिंग बहुत कम है, तो वो अपने ऊपर नेस्टों से नहीं निकाल नेस्ट जो है उनसे नहीं निकाल रहे। तो मैं उनके लिए अच्छी सी ये जिसे पराली कहते हैं ये नेस्टिंग मटीरियल ले आई हूँ। और अब ये हम उन्हें डालेंगे और जल्द से जल्द हमारे ओरियो रियो फिर से अंडे देंगे और हमें जल्दी से जल्दी उनके प्यारे प्यारे से बच्चे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अभी ऊपर अपने सेटअप पर और उसके बाद इन्हें जाके डालते हैं। उससे पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है, मेरी मम्मी भी ये कहती हैं कि हर काम से पहले नमाज ज़रूरी है। तो जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं छत पे आ चुका हूँ और वो रखी हुई पराली और ये हमारी और अवरी, तो उसमें जल्दी से डालते हैं उनकी पराली ताकि अच्छा सा करके और जल्दी से नश बनाए और हमें अच्छे अच्छे स्तर पर से बच्चे देखने को मिले। तो जल्दी से उनके उसमें नश में डालते हैं। वैसे नश में भी थोड़ी बहुत डाल दूँगा, थोड़ी बहुत ज़मीन पे डाल दूँगा, थोड़ी बहुत जिधर वो नेस्टिंग कर उस जगह पे डाल दूँगा ताकि ओरियो जो है वो उसे जो जगह फिर अच्छी लगे उस जगह में नेस्टिंग करे अपनी मर्ज़ी से। अब मैं जैसे पिछली दफ़ा ऐसे पिछली दफ़ा उसने मेरी मर्ज़ी से नहीं की थी, दो टो बनी थी जिसमें उसे पसंद आया उसने अंडे दे दिए थे और ओरियो ने, लेकिन इस दफ़ा मैं तीन चार जगह भी रख दूँगा ताकि एक ज़मीन पर एक ज़मीन पर रखूँगा, एक दूसरी टोकरी में एक और जो इसमें पिछले फंडे दिए थे और एक कहीं और रख दूँगा ताकि थोड़ा थोड़ा ताकि जो जगह उसे अच्छी लगी उस जगह से थोड़ा थोड़ा उठाएगा और वो ले आएगा। और मेरे सेटअप पे जो है एक दो दिन से एक बिल्ली का बच्चा आ रहा है और वो शाम के टाइम में आता है और मुझे नहीं पता वो किस वजह से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो फिर थोड़ा मुझे डर भी लगता है कि वो किसी परिंदे पर हमला ना कर दे, लेकिन अभी वो उसकी आवाज़ से तो ये लगता है कि वो छोटा है। तो फिर अभी तक मैंने उसे एक ही दफ़ा देखा, तो अभी जिसमें मैं मुझे नज़र आया मैं आप लोग से शेयर करूँगा और फिर आप लोगों ने बताना है कि उसमें क्या करूँ। उस वैसे तो उसकी मुझे माँ का भी पता है, लेकिन अभी उसकी माँ जो होती है थोड़ा दूर होती है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि उसे उधर छोड़ो तो हम उसे उधर छोड़ेंगे, नहीं तो उसे अपने पास रोज़ के रोज़ खाना पीना दिया करेंगे। वैसे मैं अभी तक उसे मैंने उससे देखा नहीं है, क्या पता हमसे डर के भागते, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं बिल्ली के बच्चे को मारते हैं तो वो डर जाते हैं। तो जल्दी से अब करते हैं ऐसा करते हैं उन्हें डालते हैं, उससे पहले सब मुर्गियों को पानी शानी डालना उसके बाद ढकना है। और अभी आप लोग देख सकते हैं शाम होगी तो मैं रेगुलर व्लॉगिंग फुल डे की किया करूँगा, मतलब पूरे दिन की व्लॉगिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा पूरे दिन में क्या हुआ। अभी सुबह की मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अपडेट शेयर की और आप लोग के लिए तो ऐसे होगी, लेकिन अभी जो है ना उस वक्त तकरीबन था 11:22 हो रहे थे उस वक्त और अभी जो है वो तकरीबन हो रहे हैं 12 कह रहा हूँ, अभी तकरीबन हो रहे हैं 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो जल्दी से करते हैं। तो पानी मैंने खोल लिया, बोर वाला ताज़ा ताज़ा पानी इन्हें पिलाते हैं, उसके अलावा दाना इन्हें थोड़ा थोड़ा डालते हैं, उसके बाद इन्हें बंद करते हैं। बल्कि दाना तो मैंने सुबह ही डाल दिया था इन्हें। तो जब तक उनके उधर पानी भर रहे तब तक मैं अपने ओरियो का नेस्टिंग मटेरियल डालता हूँ। तो जी ये नेस्टिंग मटेरियल आ चुके हैं इनके पास और इसे थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं। तो अभी से मैं थोड़ी देर बाद जो तो मैं इसे खोलता हूँ उसके बाद आपसे मिलूं। तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने इस तरीके से पिला दी, अब ये ओरियो जो है वो अपने नेस्ट में ले जाएगा जो उसे नेस्ट पसंद आएगा। तो ये इसे बंद कर दिया, तो अभी उनकी नेस्टिंग डाल दी है, अब सबको एक दफ़ा पानी डालते हैं। और आज की वीडियो की आपको किस तरह की लगी कि मैंने आज पूरे दिन की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और ये देखें चोको और बर्फी को। तो आज की व्लॉग को जी ख़त्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे उम्मीद आती है कि बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और जल्दी से सबको पानी डालते हैं और जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अल्लाह हाफिज़, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अल्लाह हाफिज़।